नमस्कार दोस्तों, सुरुचि एवं किचन में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली के लिए बनाएंगे सूजी के लड्डू। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप घी। यहाँ पे मैंने बारीक सूजी ली है। यहाँ पे हम लेंगे सूजी 300 ग्राम यानी कि 3 कटोरी। इस कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिए हैं। शुगर लेंगे 2 कटोरी। ड्राई फ्रूट में लेंगे बादाम, इलायची। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें हम 3-4 चम्मच घी डाल देंगे। घी को थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें हम डाल देंगे हमने जो सूजी ली है बारीक वो। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी बारीक सूजी ली है। यहाँ पे हम बारीक ही सूजी लेंगे। अगर हम यहाँ पे मोटी सूजी लेंगे तो उसके लड्डू अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप उसे मिक्सर में से पीस लीजिए और उसे छान के यूज कीजिए। यहाँ पे हम इसे भून के लेंगे इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। हम यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अभी हम इसमें और घी ऐड करेंगे। ऐसे घी ऐड कर करके हम इसे भून लेंगे। यहाँ पे हम पूरा 1 कटोरी घी यूज़ करेंगे। हम इसे भून के ले रहे हैं ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। लड्डू बनाने के लिए हम देसी घी या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे चम्मच लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे ताकि वो जले नहीं। यहाँ पे सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इस सूजी को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर हम इसे कढ़ाई में ही रखेंगे तो वो नीचे वाली सूजी वो जल सकती है। यहाँ पे मुझे इसे भूनने के लिए 7 से 8 मिनट लग चुके हैं। यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे इसे भून लिया था। इसे ठंडा होने देते हैं। अभी लड्डू के लिए हम चाशनी बना के लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी डाल दी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम उतना ही पानी डालेंगे जितना कि चीनी को डूबने में लगे। यहाँ पे मेरे 1.5 कटोरी पानी में चीनी अच्छे से डूब चुकी है। चाशनी बनाते समय हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। चम्मच ऐसे बीच बीच में से चलाते रहेंगे। यहाँ पे हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैंने इलायची और 1 चम्मच चीनी को मिक्सर में से अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब हम चम्मच से इसे मिक्स कर देंगे। अभी हम चेक करते हैं 1 तार की चाशनी यहाँ पे नहीं बन रही है और थोड़ा इसे पका लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे 1 तार की चाशनी बन रही है। हमारा जो शुगर सिरप है वो तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने भुना हुआ सूजी है वो। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। जब हमारी 1 तार की चाशनी बनती है तभी हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे, वरना हमारी चाशनी कड़क होकर हमारे लड्डू भी कड़क हो सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और आधे घंटे के बाद इसे देखेंगे। अभी आधा घंटा हो चुका है, ढक्कन निकाल के लेते हैं। अभी इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। इस तरह से मिक्स करने से हमारी जो सूजी है वो सभी जगहों पे अच्छे से भीग जाएगी। अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर फिर से ढक्कन रखेंगे और इसे 15-20 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। अभी 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को निकाल के लेते हैं। अभी हम चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे इस तरह से। चम्मच से हमें इस तरह से ऊपर नीचे करना है ताकि गुठलियाँ होगी तो वो भी निकाल लेनी है। इस तरह से हम इसे कर लेंगे।
इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका लाडू बनाते हैं। इस तरह से हाथों में लेके हमें इसे गोल गोल करना है। सूजी के नरम लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाशनी का बहुत ध्यान रखना है। हमारी यहाँ पे एक तार की चाशनी परफेक्ट होनी चाहिए। इस तरह से मेरा लड्डू अच्छे से बनकर रेडी है। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट लगा रही हूँ, बादाम, इस तरह से। और एक लड्डू बना के देखते हैं। ड्राई फ्रूट में आप काजू, बादाम, पिस्ता या फिर किशमिश भी लगा सकते हो। इसी तरह से बाकी बचे हुए लड्डू को बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी लड्डू को बना लिया है। तैयार है हमारे सूजी के लड्डू। इस दिवाली आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।